वो क्या चीज है, कलौ दोष निधि राजन अस्ति जी को महान गुण। महाराज परीक्षित, कलिजुग में सब तो दोष ही दोष है, बाकी उसमें एक महान गुण है। वो क्या गुण है, न कीर्तना देव कृष्ण स मुक्त संग परम ब्रजे। केवल कृष्ण कीर्तन करके, हरे कृष्ण नाम जप करके वो सब पाप से मुक्त हो जाता है और फिर वैकुंठ में जा सकता है। ये हरे कृष्ण मूवमेंट का ये तात्पर्य है। जो ये सब जो पतन हुआ है, कलो अस्मिन युगे जना प्रायण अल्प आयु, ये कलयुग में सभी प्राय अल्प आयु होते हैं, और आयु कमते ही जाता है। आस्ते आस्ते इतना कम हो जाएगा कि आगे जाकर के 20 से 30 वर्ष तक अगर जिएगा उसको बहुत बुढ़ा माना जाएगा, ऐसा शास्त्र में लिखा है। अभी तो 50-60 तक ही है, इंडिया का एवरेज एज है 35 ईयर्स समथिंग लाइक। तो प्राय न अल्प आयु स, ये कलयुग में सब अल्प आयु हो गए, और प्राय न अल्प आयु स कलौ अस्मिन् युगे जना, और पारमार्थिक ज्ञान लाभ करने के लिए, मुक्ति होने के लिए इसको प्रयास नहीं जाएगा। तो इस स्थिति में शास्त्र में इसीलिए बताया है, जो हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में ये यदि कोई उद्धार होने को चाहते हैं, लिबरेटेड का अर्थ होता है कि ये जो जन्म मृत्यु है, जरा व्याधि, ये स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है। जीव जो है नित्य शाश्वत वयं, ये तो नित्य है, ये मरने वाला नहीं है, शाश्वत न हन्नते हन्नमाने शरीरे। और ये शरीर जो उपस्थित शरीर है, ये नष्ट हो जाने से जीवात्मा नष्ट नहीं होता, उसका और एक शरीर मिलता। तथा देहांतर प्राप्ति, तो यदि मैं और आप सब नित्य है और भगवान भी नित्य है, नित्य नित्यानांग चेतनस चेतनानांग, भगवान भी नित्य वस्तु है, चेतन वस्तु है, और हम लोग भी नित्य वस्तु है, चेतन वस्तु है। तो भगवान चाहते हैं कि तुम जो नित्य वस्तु है, तुम्हारा जन्म मरण नहीं है, तुम जो जन्म मरण माला में फंसे हुए हैं, इससे निकल आओ। इसका नाम है मुक्ति, इसका नाम है मुक्ति। मुक्ति परेशान स्वरूपेना अवस्थिति, मुक्ति हित्या अन्यथा रूपम स्वरूपेना अवस्थिति। ये मुक्ति का विश्लेषण है कि अभी हम लोग स्वरूप भूल गया, स्वरूप हमारा है, हम कभी मरने वाला नहीं है, और अभी हम मरते हैं, एक शरीर पलट के और एक शरीर ग्रहण करते हैं, फिर शरीर 84 लाख जोनी है उसमें घूमते फिरते हैं। ये हमारा बंधन, ये बंधन से मुक्त होने से उसको मुक्ति कहा जाता है। स्वरूप ही न अवस्थित, स्वरूप का अर्थ होता है हम मरने वाला नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दूषान दर्शन, इसलिए भगवान कहते तुम सब दुख का तो सब हल किया है, ये असल तुम्हारा जो दुख है ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसको हल करो। ये जो हमको 10-20-50-100 वर्ष ज्यादा से ज्यादा छोड़ करके फिर मरने पड़ता है, फिर दूसरा शरीर ग्रहण करने पड़ता है, यही हमारा असल दुख है, और इससे जब हम मुक्त हो जाएंगे फिर हमको जन्म नहीं होने वाला है, मरण नहीं होने वाला है। जिसका जन्म नहीं होता उसका मरण भी नहीं होता, उसको बार्धक्य भी नहीं होता है, तो जन्म होने से ये सब चीज होगा। तो ये कृष्ण कॉन्शसनेस मूवमेंट है, ये भगवद्गीता की शिक्षा है, जो जन्म मृत्यु से आप लोग सब मुक्त हो जाइए। और कैसे, केवल कृष्ण को समझिए, बस एक ही काम, जन्म कर्मम समे दिव्यम जो जानाती तत्व, जो कृष्ण अजो भी सन्नभ्य आत्मा, भगवान कहते हैं हम अजो होते हुए भी हम देवकी नंदन होते हैं, जसदानंदन होते हैं,
कुछ हमारा कारण है, तो ये कारण को कभी समझे। जन्म कर्म चमी दिव्यम जो जाना तत्व, ये भगवान क्यों इधर मनुष्य का रूप से आते हैं और देवों की नंदन होते हैं, दशरा नंदन होते हैं और फिर इधर लीला करते हैं, इसको समझो। जन्म कर्म दिव्यम, ये है दिव्यम, ये साधारण नहीं है, तो इसको अगर कोई समझ लिया, जन्म कर्म में दिव्यम जो जानाति तत्व तात्विक, उसको क्या लाभ होता है, मुक्त हो जाते। तत्का देहंग पुनर्जन्म नहीं थी मां में थी कम थी, उसको फिर ये शरीर छोड़ करके और भौतिक शरीर नहीं मिलता है। फिर किधर जाता, मां में वो हमारे पास चले आते हैं वैकुंठ में, तो उधर जाने से जदगत्याना निवर्तन्ते तद्धाम परमम, जो वैकुंठ में जाने से फिर उसको लौटने नहीं पड़ता है, फिर उसको भौतिक शरीर धारण करने को नहीं पड़ता है, फिर वो निरंतर जीवन और ज्ञानमय जीवन और आनंदमय जीवन, आनंदमय अभ्यासात, तो इसको अर्जन करना चाहिए। ये इसलिए मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर वो कुत्ता भेड़ी के लिए केवल खाया पिया और मजा किया और मर गया, ये मनुष्य शरीर नहीं है। मनुष्य शरीर इसलिए है कि भगवान को समझे। क्यों, एक दिन हमको कोई पूछ रहा था कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य यही है कि भगवान का चरण में शरणागत हो जाओ, बस सब काम बन जाए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, और उसमें क्या लाभ होगा, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। आदमी का दुख होता है पाप से, और जो भगवान का शरणागत हो जाते हैं फिर उसका कोई दुख नहीं रहता है। अनन्न चिंतन तमाम जी जना प्रजुभासती तीसाम नित्या विजुक्ता नाम योग क्षेम वहां। सो कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट का ये तात्पर्य है कि किसी तरह से भगवान का चरण में शरणागत हो जाइए, फिर आपको सब दुख मिट जाएगा, कोई चीज का अभाव नहीं है। हम लोग सब अभाव के लिए सब समय परिश्रम करते हैं, मन षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृतिस्थानी कर सकते, तो अभाव निर्वाह करने के लिए, उसको पूर्ण बनाने के लिए मन और इंद्रिय से हम लोग काम करते हैं। मन षष्ठानी इंद्रियानी प्रकृतिस्थानी कर सकते, सो प्रकृति में नहीं होगा। जैसा कोई आदमी जेल में है, वो जेल सुपरिंटेंडेंट को अगर किसी तरह से सुखी करे तो उसमें उसको काम नहीं बनेगा, जब तक गवर्नमेंट उसको नहीं छोड़ देने का आग्रह देता है वो नहीं छूटे। तो इसीलिए हम लोग जो ये भौतिक जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, मन संस्थान इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर से ममई वांश जीव भूत जीव लोग के सनातन, भगवान कहते हैं जो जीव है जीवात्मा ये सब हमारा अंश है, बाकी वो इधर मन और इंद्रिय लोग के इंद्रिय द्वारा सुखी होने को चाहते हैं। मन संस्थान इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर सकते, कर सकती माने स्ट्रगलिंग, बट ही इज नॉट हैप्पी। बाकी वो हैप्पी कैसा होगा कि अपने बुद्धि से स्ट्रगल करके सुखी होने की जो चेष्टा चल रही है वो उसमें नहीं हो, तो फिर कैसे होगा। न भोक्तारम जग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुदम सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांति मिच। वो जो मेंटल कॉन्कॉक्शन क्रिएशन करते हैं, ये प्लान किया जाए तो हम लोग सुखी हो जाएंगे, ये प्लान किया जाए तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि वो मन का प्लान है, वो भगवान का प्लान नहीं है। और दुनिया में भगवान का प्लान चलता है, हमारा मन का तुम्हारा मन का प्लान नहीं चलेगा। तो हम प्लान क्या है, जो हम खूब अच्छी तरह से मकान बनाए, बैंक बैलेंस बनाए और हम कभी मरेगा नहीं और इसको भोग करेंगे, बाकी भगवान का प्लान है तुमको मरना ही पड़ेगा, इसको सब छोड़ना ही पड़ेगा, तुम क्या प्लान बनाओगे, कुछ प्लान नहीं बनेगा। सर्वहरं मृत्यु अहम, भगवान बोलते हैं जब मृत्यु रूप से तुम्हारा सब चीज छीन लेंगे, बस कोई चीज तुम्हारे साथ नहीं जाएगा,
बस ऐसी आए हो ऐसी जाओगे, एक शरीर लिया था अभी और एक शरीर मिलेगा, बस ये प्लान है हमारा। दैवी जैसा गुण वही ममो माया दुरुप्त, ये भगवान की माया की प्लान है, इसको आप अतिक्रम नहीं कर सकेंगे, दुरतिक्रम इट इज नॉट पॉसिबल। यू मे ट्राई योर बेस्ट स्ट्रगल बट इट इज नॉट पॉसिबल। तो मामी में जब प्रबद्धनते माया में तांग तरंती थे, जो भगवान का भक्त हो जाते हैं वो फिर नई प्लान बनाते हैं। वो तो भगवान का चरण में अपने को छोड़ देता है, जब भगवान आप ही का प्लान चलता है और अब आपका चरण में मुझको हम समर्पण कर दिया, जो प्लान आपको बनाना है बनाइए। थैंक यू वेरी मच। हरी कृष्ण।